नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। दोस्तों ये है गुल दोपहरी या मिड डे मेलो का सीड। दोस्तों ये पौधा जो है रेनी सीजन का पौधा है और इसका लाइफ जुलाई से लेके अक्टूबर तक रहता है और बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ होती है और इसमें कटोरी शेप में लाल लाल फूल खिलते हैं, इसलिए बहुत सारे एरिया में इसको कटोरिया फूल भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं इस पौधे के, बस इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए और बारिश का पानी, बस ये दो चीज़ अगर इस पौधे को मिल जाए तो बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होता है। और दोस्तों इसके सीड जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा, एक फूल से जो है एक बड़ा सा सीड पॉट तैयार होता है और उसी से आप जो है सीड कलेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर एंड में सीड कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट सीजन में फिर से आप सीड जर्मिनेट कीजिए तो बहुत अच्छे से इसमें सीड जर्मिनेट हो जाता है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और इसके सीड भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, सरसों के दाने जितने बराबर बड़े बड़े होते हैं। और दोस्तों ये फूल की खासियत ये है कि ये दोपहर में फूल खिलता है, 12 बजे इसके फूल खिलते हैं, इस वजह से इसको गुल दोपहरी भी कहा जाता है। और सुबह में 6 बजे जैसे सनराइज इस पर पड़ता है तब इसके फूल झड़ जाते हैं। और अगर आपको सीड चाहिए तो वैसे ही आप उसको छोड़ दीजिए तो उसमें से छोटे से सीड पॉट बनना शुरू करेगा और उसमें सीड तैयार हो जाएगा। अगर आपको इनिशियल स्टेज में सिर्फ फ्लावर चाहिए, सीड नहीं चाहिए, तो जैसे उसके फूल झड़ने के बाद जो स्पाइक होता है उसको तोड़ दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। इसके प्लांट का हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 से 4 फीट की ऊंचाई में रहता है इसका पौधा और इसको आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये सीजनल प्लांट है और सीजनल प्लांट के रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं तो आप छोटे छोटे पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसके सीड पॉट का जो कवर है उसको आप हटा दीजिए और इसमें सरसों के दाने बराबर जो है इसमें सीड निकलता है उसको आप फिर से मिट्टी में लगा दीजिए। तो जुलाई में अगर आप इसके सीड ग्रो करते हैं तो 1-1.5 महीने में ये प्लांट बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जो है अक्टूबर तक इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी और अक्टूबर एंड में आप इसको जो है इसका सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, फिर से आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके लिए जो मैंने मिट्टी लिया है बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी लेना है आपको, मैंने इसमें 40% रेत मिला दिया है और 60% जो है गार्डन सॉइल लिया है। अगर आपके पास गार्डन रेत नहीं है तो सिर्फ आप गार्डन सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ईजी टू ग्रो प्लांट है। और दोस्तों रेत मिलाने से ये होता है कि मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाता है और इसमें पानी ज़्यादा नहीं रुकता है क्योंकि बरसात का सीज़न है, एनी टाइम बारिश होगा तो पानी अगर इसमें ठहर जाए तो कोई भी प्लांट में अगर पानी ठहर जाए तो रूट जो है रॉट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इसमें रेत मिला दिया है। और देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है आसानी से हम इसके सीड स्प्रेड कर सकते हैं, सरसों के दाने बराबर होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ऊपर से एक लेयर मिट्टी लगा दीजिए इसमें ताकि ये कवर हो जाए और सीड ज़्यादा बड़े हैं तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, ज़्यादा मोटा भी सीड अगर मिट्टी का लेयर आपने दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों अभी 2 दिन से हमारे एरिया में बारिश हो रही है तो मिट्टी काफ़ी गीली है, अगर आपके मिट्टी जो है ड्राई हो तो आप अच्छे से वाटरिंग कीजिए। और देखिए मैंने थोड़ा सा ही इसमें पानी डाला क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीली थी, तो अब इसका रिकमेंड बस ये है कि इसको फुल डे के सनलाइट में रख दीजिए और बारिश का पानी इसमें पड़ता रहे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा, ये 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो है 10-12 दिन में जो है सैपलिंग थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद जो है दूसरे पॉट में हम इसको शिफ्ट कर देंगे, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे उसके सैपलिंग जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करें। दोस्तों ये एक बार जो सैपलिंग आप शिफ्ट करेंगे
उसी समय अगर आप इसको अच्छे से खाद दे देते हैं तो दोबारा इसको खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये फर्टिलाइज़र फीडर प्लांट भी नहीं है, ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।